और बीच में श्री हेमकुंड साहिब देखूंगा भाई, रास्ता अच्छा लगेगा। लगातार बर्फ पड़ेगी ऐसे तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो मौसम साफ चाहिए तब। और यार दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछना था मेरे को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको पता होगा वही बताए। जो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के इन बर्फीले पहाड़ों से और खूबसूरत पहाड़ों से। भाई साहब, सुबह का नज़ारा देखिए भाई, चारों तरफ आप देख करके इतने खुश हो जाएंगे। बादल किस तरीके से आ रखे हैं भाई, इतना मनमोहक व्यू लग रहा है ना, पर ठंडा इतना हो रहा है। देखिए सामने पहाड़ों पे, देखिए ये तो दिख रहा है, इस पे बर्फ़ है, और सामने जो श्री हेमकुंड साहिब वाला पर्वत दिखेगा उसमें तो और अच्छी तगड़ी बर्फ़ होगी। तो भाई ये कुछ नज़ारा है भाई सुबह का, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। वैसे तो अभी 8 बज रहे हैं, अब ऐसे मौसम में क्या है, बारिश हो रही है, ठंडा लग रहा है, तो अभी फिर से सो जाऊंगा, 10 बजे उठूंगा। बट जो अभी मौसम है जो बादल वाला है ना, उसके लिए मैं ऊपर छत पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, फिर चला जाऊँगा मैं। दोस्तों फटाफट अब चलते हैं, बारिश आ रही है तेज़, नीचे चलते हैं, थोड़ी देर चूल्हे में बैठते हैं, फिर चल जाते हैं बिस्तर में और सो जाते हैं कुछ देर, क्योंकि बारिश है लगातार और आज भी बारिश रहेगी ऐसा बोला गया है। बाकी देखने वाली बात होती है क्या होता है। और दोस्तों ठंड का आलम यह है, यहाँ पे जल रही है थोड़ी सी आग और इस पे चिपके हुए हैं बिल्ले। तीनों बहनें ऐसे ठंड से कांप रही है, चुन्नू मुन्नू और मुन्नू चुन्नू जो भी नाम है इनके। ऐ ऐ ठंडा लग रहा तुम्हें, ठंडा लग रहा तुझे, ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा। अरे नींद आ रखी बच्चों को, बच्चे को सोने देते हैं और आग अच्छे से जला देते हैं। वैसे तो गर्मी रहती है किचन के अंदर क्योंकि हम दरवाज़ा बंद करके रखते हैं। अबिलिया समझदार है, सिर्फ यहीं पे बैठी रहेगी, ये नहीं कि किसी बर्तन पे चले गए जूठा करते, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये समझदार है, मिशु की तरह समझदार है, तो अच्छे लगते हैं, है ना चिन्नू, है ना चिन्नू। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, आग जल नहीं रखी है, आग भी जलाएंगे अभी थोड़ी देर, तब इनको गर्मी लगी। ये तो सो ही रखे तब से सुबह से, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। आज तो मैं डोंगे में खा रहा हूँ भाई, डोंगा इतना बड़ा बर्तन होता है, और ये न्यूट्री आलू की सब्जी और रोटी। चाय तो बड़ा गिलास चाहिए आज क्योंकि हो रहा है ठंडा ज़बरदस्त। तो भाई दोस्त आज जो है ना बारिश मुझे नहीं लगेगी रुकने का नाम लेगी, देखे कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। ए कहाँ जा रहे बिल्ली, बारिश में भीगने का मन कर रहा है इनको, अभी ठंडा लगेगा फिर चूल्हे में आएंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम, चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बरसात का जो कहर है वो थोड़ा सा थम चुका है, अब मौसम खुल चुका है लगभग 11 बजे के आसपास, और भाई मौसम ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन इसमें ना थोड़ी खतरा रहता है। खतरा ये रहता है ऊपर से ना पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो मौसम तो कुछ बढ़िया है, शानदार है, ज़बरदस्त है। ऊपर देखे तनख्वाह छोड़ा, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, बादल ऐसे पहाड़ पर ऐसे चिपके हुए। इधर देखे ये बादल हटेंगे तब आपको देखेंगे सीधा बर्फ़ दिखेगी।
और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कुटिया है, आश्रम है एक महाराज जी के, जो कि वेस्ट बंगाल में आजकल हैं और बाकी 6-7 महीने यही गांव में व्यतीत करते हैं। तो जो ये पत्थर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है कि गुफा बनी हुई है, उसके अंदर रहता है, बढ़िया छोटा सा दरवाज़ा है। लेकिन जो गार्डन है महाराज जी का, देखिए भाई कितना खूबसूरत है, किस तरीके से जो है पत्थर बिछाए हुए एक नेचुरल तरीके से यहाँ पर गार्डन, सब महाराज जी के जो आइडिया हैं उनके, मतलब खूबसूरती देखे कितना बढ़िया लगता है। उधर से भी व्यू बहुत प्यारा है। तो कुछ ऐसी है कुटिया अभी महाराज जी की। तो जैसे मौसम ख़राब है ना दोस्तों, तो आजकल क्या है, गायों को जंगल नहीं लगाते हैं ठंडे में, लेकिन घोड़े खच्चर लगाते हैं, घोड़े खच्चरों को लगाते हैं, उनको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। ये तो बर्फ़ में भी जी लेते हैं। ये भीग रखे पकड़ो। तो देखिए ऊपर आपको ना, और जो मैंने आपको गोविंद घाट का पुराना रास्ता दिखाया था दोस्तों, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से ना नीचे आपको एक घर दिख रहे होंगे। तो यहाँ से पहले रास्ता हुआ करता था सीधा गोविंद घाट के लिए, अब जो सड़क बनी है तो ये ऊपर से आई हुई है जंगलों को काट काट करके। तो पहले इधर से रास्ता हुआ करता था, यहाँ से जाते थे और सीधा अपना गांव दिखता था, पोलना विलेज। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा वहाँ से होता था और खुशी हमारे अंदर ऐसे रहती थी ना, जोशीमठ से आते ही जैसे यहाँ पे पहुँचे भाई, हम ऐसी रफ्तार से भागते थे सीधा घर के लिए कि गांव पहुँच गए। गाँव में उस टाइम तो काफ़ी लोग रहते थे, जब स्कूल वगैरह थी सब कुछ था, तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम। तो दोस्तों कुतकुरा धार से तो मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ पे फिर से आग के सामने, क्योंकि अभी हल्की सी फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, आग जली हुई है थोड़ा सा अभी कम, लेकिन यहाँ पे देखो यार इनको आज इतना ठंडा लग रहा है, तीनों ऐसे सो रखे इसके ऊपर। सो जा 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 हाँ सो जा हाँ। और यार दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछना था मेरे को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनको पता होगा वही बताएं, जो दिल्ली में रहता होगा उनको बताएं। जैसे कि मैं फ़ोटोग्राफी करने वाला हूँ श्री हेमकुंड साहिब में, तो उसके लिए प्रिंटर, कैमरे वगैरह और भी बहुत सारे सामान जो है लेना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई दिल्ली में रहता हो और उनकी कोई शॉप हो जो नॉमिनल प्राइस, अच्छे प्राइस में थे, क्योंकि देहरादून में काफ़ी महंगा मिलता है सामान, तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे या कमेंट में मुझे बताए कि कहाँ पे है, कहाँ पे कौन से मार्केट में है, कहाँ पे अच्छा प्राइस और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट या कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले, वो अच्छी बात नहीं है श्री हेमकुंड साहिब में, बिल्कुल ओरिजिनल काम करना है मुझे। तो वो चीज़ आप बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या तो नहीं तो मैं ऑनलाइन देख लूँगा अगर जैसा भी होगा, क्योंकि मुझे इस महीने अप्रैल के महीने जो है दिल्ली या कहीं देहरादून तो जाना ही जाना है अपने काम के लिए, ताकि तैयारी रहे, मई से पहले पहले तक सारा काम हो जाए, तो फ्री रहेगा इंसान तो सही हो जाता है। तो फिलहाल कुछ खाना हो गया तैयार लगभग, और आजकल इतने ठंड में भूख जल्दी लग रही है, जल्दी लगने का कारण यह है क्योंकि सुबह नाश्ता भी जल्दी कर रहा हूँ मैं 9 बजे, नहीं तो आजकल धूप भी जल्दी आ जा रही, जल्दी उठ रहे, जल्दी नाश्ता हो रहा, तो जल्दी लंच भी हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो अंदर आग से को, आ जा आ जा ले। और दोस्तों सबसे पहले खाना देते हम दी माता को, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया था, 1 महीने तक घर में वास करती है लक्ष्मी माता जी के रूप में, या दी माता जी कुछ बोलते हैं, तो चाय, खाना, दाल सब कुछ रखते हैं यहाँ पे, फिर शाम को प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो यही है 1 महीने तक, और विदा करेंगे 1 महीने होने होएंगे जिस दिन, उस दिन विदा करते हैं। हरियाली की त्यौहार होती है, कुछ प्रसिद्ध सा त्यौहार है उत्तराखंड का, उसमें विदा करते हैं। तब तक 1 महीने घर पे वास करते हैं, इसे साफ सफाई और अच्छे से शुद्ध खाना वहाँ पे दिया जाता है, सात्विक खाना ये। चढ़ा की साग है, और भाई भाप से अंदाजा लगा सकते हैं ना कितना ठंडा है बाहर मौसम, आग के सामने बैठ करके खाना पड़ रहा है, और साथ में है यहाँ पे आज छाछ भी है, कभी कभी हो जाता है। खाना खाने के बाद यहाँ पे वॉलीबॉल का चल रहा है, गेम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वाह। तो हाथ दर्द हो जाता है दोस्तों ऐसे खेल करते करते। भाई अब तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मौसम हो गया, यहाँ दिख रही है धूप गांव के इस तरफ, और इस तरफ दिख रही है पूरा कोहरा, पूरा बादल, पूरा बर्फ, देखिए अब चोटियों में पड़ेगी बर्फ़ अभी खतरनाक वाली। और यहाँ पे चल रहा है भाई इनका मैच कीचड़ में,
और इधर बारिश भी हो रही है और धूप भी लगी हुई है। अब शाम को थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर हमने आग वगैरह जलाई, आग वगैरह सेकी। अब ऐसे टहल रहे हैं क्योंकि टहलेंगे नहीं तो गर्मी नहीं आएगी बॉडी पे, तो इसलिए टहल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पूरी रोड बिल्कुल सही सलामत है, और यहाँ पे पूरा एक चट्टान आया, और चट्टान आया भी कहाँ से होगा, पूरा ऊपर से, ऊपर से गिरते 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 यहाँ से इस रास्ते से पूरा ये सड़क ही तोड़ दी है। देखें डर तो लग ही रहता है, पहाड़ों में यही होता है भाई, आपको लगेगा कि पत्थर नहीं आएंगे उतनी दूर से, लेकिन वहाँ से आते आते यहाँ इतना नुकसान हो जाता है। तो बरसात में डर बना ही रहता है हमेशा, बरसात और एकदम बर्फ़ हो तब तो पत्थर फूटते ही फूटते हैं फिर। और शाम होते ही दोस्तों कुछ खच्चरों को उनके अड्डों पे पहुंचाया जाता है, जैसे कृष्णा के भी घोड़े हैं तो भाई वो पहुंचा रहा है, और यहाँ पे इनका खेल चल रहा है। और इन्होंने तो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया दोस्तों खच्चरों ने, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। फरे ही न लो मुड़ी पे जा, तो नीचे से ही जाना पड़ेगा कूद मार करके। डर बना रहता है भाई रास्तों में, कभी भी मार दे लात तो सीधा हाथ मुंह टूटने के डर रहते हैं। और इनकी लात इतनी ख़तरनाक रहती है, घुटने पे लग गई तो फ्रैक्चर ही होगा पूरा घुटना, हड्डियाँ ही टूट जाएगी ऐसे होते हैं। तो बारिश तो लगातार है, और यहाँ पे अपना मिशू देखो बारिश के ले रहा है मज़े। है मिशू, उसको सीधा किचन में जाने को चाहिए कि भाई आग जली होगी वहाँ पर बैठ जाऊँगा। बारिश लगते ही मैं घर आ गया, और अभी मैं बनाने वाला हूँ चाय गर्मा गर्म। और यहाँ पे मिशू मुझे परेशान कर रहा है, भूख लग गई बोल के। क्या हुआ, ये मत समझना दोस्तों इसको खाना नहीं दिया भाई, खाना देते रह रहे इसको, आजकल इसको ठंड में ज्यादा भूख लग रही, मोटा सा हो गया है मिशू। और मोटू तो दोस्तों अब जो है आग जल रही है, अंधेरा भी हो चुका है। मिशू तो इंतज़ार कर रहा था आग जलने का, अभी इसके बच्चे भी आएंगे। क्यों मिशू आएंगे, कौन सी लकड़, आग जल रही है। और लकड़ियाँ आजकल ख़त्म हो गई यार घर पे ना, क्योंकि आजकल कई दिनों से लकड़ियाँ लेने नहीं गए, हमने सोचा ठंड ख़त्म, हमने ये सोचा कि ठंड ख़त्म हो जाएगी लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ उल्टा हो गया भाई। मौसम देखे ऐसा लग रहा मानसून का सीज़न चल रहा होगा, ठंडा लग रहा, ऊपर छोटे में तो बर्फ़, भिंडार गांव तक बर्फ़ पड़ी होगी, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते, अभी काम है इधर बहुत सारे। अभी देहरादून भी जाना है मुझे फ़ोटोग्राफी का सामान लेने, और बीच में श्री हेमकुंड साहिब देखूंगा भाई, रास्ता अच्छा लगेगा। लगातार बर्फ़ पड़ेगी ऐसे तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए कम से कम एक हफ्ता तो मौसम साफ चाहिए, तब हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ हम श्री हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। बाकी जाने की तैयारी है, इस महीने पूरा काम निपटा करके फिर मई से तो गोविंद धाम में अप डाउन होते रहेंगे, श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन आपको एक महीने पहले से कराते रहेंगे, डोंट वरी। और उससे पहले अगर किस्मत हो हमारी, भोलेनाथ जी ने बुलाया हो अपने दरबार पर, तो केदारनाथ की यात्रा भी करने की कोशिश करेंगे, वरना विष्णु भगवान जी तो बुला ही देंगे बगल में बद्रीनाथ धाम में, तो वहाँ तो डेफिनेटली आपको दर्शन कराएंगे अगर केदारनाथ ना हो पाए, बट कोशिश ज़रूर करेंगे केदारनाथ जाने की। मिशु तू भी आएगा मेरे साथ केदारनाथ, आएगा पशुपतिनाथ के मंदिर में। तो फिलहाल दोस्तों आज का मौसम रहा ठंडा, आपको भी मालूम है क्या हाल, और बाकी जो कल होगा वो दिखाएंगे। और आजकल तो भाई रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है जोशीमठ सिटी में, वहाँ जा नहीं पा रहे क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, और यहाँ भी घर पे भी काम होता ही है थोड़ा बहुत इसकी वजह से, नहीं तो आपको दिखाते पहाड़ों में किस तरीके से रामलीला होती है, राम का पाठ किया जाता है और भी जो अनेकों पात्र हैं उनके पाठ किए जाते हैं। एक दिन कोशिश करेंगे एक दो दिन किसी दिन, क्योंकि 10-11 दिन का है रामलीला का वहाँ कार्यक्रम, तो हर दिन अलग अलग होगा, अलग अलग पार्ट्स दिखाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दो पार्ट्स तो हम छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर देखने जाएंगे। हो सकता है कल देखने जाऊँ, सामान लेने जाऊँ, फिर अब मौसम अच्छा रहेगा तो
फिलहाल आग जल चुकी है और इसी के साथ कर लेते हैं ब्लॉग को समाप्त। मिशु भी आ गया, मिशु के बच्चे आएंगे, दरवाज़ा क्लोज है क्योंकि ठंडा लग रहा है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी।